सभी गोइंकन्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा है आप सभी गोइंकन्स अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप सभी गोइंकन्स का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के विषय में अभ्यास करेंगे जो आपके विषय पर्यायवाची शब्द से जुड़ा है। शुरू करते हैं। सभी बच्चे दिए गए कार्य को समझकर अपनी अपनी पुस्तक पर पूरा करेंगे। दिए गए चित्रों को देखकर उनके लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द, तो प्यारे गोइंकन्स, दिए गए चित्रों को देखकर आप सभी बच्चे इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जैसे कि पहला चित्र है, पहले चित्र का हम लिखेंगे वृक्ष और पेड़, यानी अर्थ एक ही है मगर शब्द अलग अलग है। जैसे दूसरा चित्र दिया गया है, इस चित्र के दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे पहाड़ और पर्वत। आशा करती हूं आप सभी गोइंकन्स अपनी अपनी पुस्तक पर देख रहे हैं और दिए गए कार्य को पूरा कर रहे हैं। अगला चित्र जैसे दिया गया है, क्या लिखेंगे? नेत्र या नैन, दो पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही अगला चित्र दिया गया है हाथी का, हाथी का दो पर्यायवाची शब्द लिखें हाथी, गज, और क्या नाम है इसका? हस्ती। अगला चित्र जैसे दिया गया है, अगले चित्र का नाम हम लिखेंगे चंद्रमा और चांद। आखिरी चित्र में दिया गया है सर्प और सांप। तो ऐसे ही आप दिए गए चित्रों को देखकर इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। आशा है आप सभी बच्चों को आज का कार्य समझ में आया। आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।